हाँ सही में प्लांट्स फूड बनाते हैं, और वो फूड किस फॉर्मेशन में रहता है, ग्लूकोज के। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद हम जाते हैं, प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ फूड। आपने अभी देखा है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किस तरीके से? ये सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बना रहे हैं, और फूड किस तरीके से बना रहे हैं, केमिकल इक्वेशन के थ्रू, राइट। फूड किस तरीके से बना रहे हैं, केमिकल इक्वेशन के थ्रू। इन्हें ये क्या हुआ, लाइट एनर्जी को उन्होंने कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में, ठीक है। ये ऊपर वाले फॉर्मूले से ही प्रूफ होता है, ठीक है। वाटर मिनरल सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, द स्टेम ट्रांसपोर्ट्स देम अप टू द लीव्स, द लीव्स हैव माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा थ्रू विच दे टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कैसे होता है वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके जो प्लांट्स हैं, सबसे पहले आपके प्लांट्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सनलाइट आपका प्रेजेंट है, राइट। सनलाइट तो है ही, और उसके बाद ये है आपके सॉइल से वो ले रहे हैं वाटर मिनरल्स एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो ये वाटर एंड मिनरल्स एंड सॉल्ट्स आपके स्टेम्स, ये जो हुई स्टेम हुई, तो ये स्टेम के थ्रू ये जाता है लीव्स तक, ठीक है। ये स्टेम के थ्रू लीव्स में जाता है, और ये जो लीव्स है इसमें होता है एक स्टोमेटा, ये आपको वर्ड याद रखना है। आपका जो वर्ड है वो है स्टोमेटा, STOMATA, ठीक है। तो स्टोमेटा, तो स्टोमेटा क्या कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपकी लीव्स में प्रेजेंट होता है। मतलब कि आपके वाटर मिनरल्स स्टेम्स में से आपके लीव्स तक पहुँचेंगे, और लीव्स में आपका प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा क्या करता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इनटेक करने में हेल्प करता है। मतलब किस चीज़ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स लेती है, तो वो चीज़ है आपकी स्टोमेटा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या समझा कि वाटर मिनरल्स और ये प्लांट्स, वाटर मिनरल्स और सॉल्ट जो है वो स्टेम्स के थ्रू जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेम्स के थ्रू ऊपर ऊपर जाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेगा प्लांट्स, स्टोमेटा नाम के एक इससे, स्टोमेटा नाम का एक चीज़ रहेगा, माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग जिसे बोलते हैं हम, वो स्टोमेटा से वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर लेंगे। द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द लीव्स कंटेन क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब सनलाइट हेल्पिंग टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इंटू फूड। नाउ वॉट वी हैव सीन कि क्लोरोप्लास्ट एक रहता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, जो कि लीव्स में ही रहता है, ओके। यहाँ पे ही मेंशन है, द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द लीव्स कंटेन्स क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि विच एब्जॉर्ब्स सनलाइट हेल्पिंग टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इंटू फूड। ये केमिकल इक्वेशन में ही हमने देखा है। यहाँ पे देखिए कि सनलाइट के प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को उसने हेल्प किया टू कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज विच इज़ योर फूड। ग्लूकोज से ही हमें बॉडी में एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे तो अब डायग्राम के थ्रू देखते हैं हम लोग, डायग्राम में क्या हो रहा है यहाँ पे, वाटर मिनरल सॉल्ट। तो यहाँ पे वाटर से वो स्टेम्स के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ लीव्स में, आपका वाटर मिनरल्स और सॉल्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड उसने स्टोमेटा के थ्रू लिया। तो क्लोरोफिल का क्या काम है, क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट होता है आपके लीव्स में, उसी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आपके सनलाइट के प्रेजेंस में, अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दिस क्लोरोफिल हेल्प्स यू टू कन्वर्ट योर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इंटू वॉट, इंटू फूड। सो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं जो बताऊँगी, कि जो क्लोरोफिल है दिस हेल्प्स, ओके, दिस विल हेल्प यू इन वॉट, वॉट इट विल हेल्प यू, क्लोरोफिल विल हेल्प यू टू कन्वर्ट योर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर इंटू फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये क्लोरोफिल का काम होता है। सो आपका ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है यार कि व्हाट डज क्लोरोफिल डू, सो यू हैव टू राइट देयर कि क्लोरोफिल हेल्प्स यू टू प्रोड्यूस फूड विद द हेल्प, बाय कन्वर्टिंग
वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन टू फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, तो ये आपका एक होमवर्क है कि क्लोरोफिल क्या करता है, तो आप मुझे राइट करके बताएंगे कि व्हाट डज क्लोरोफिल डू। ठीक है, एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन द प्रोसेस। आपने अभी फॉर्मूले में देखा है कि फूड बन गया, फूड के साथ एक और सब्सटेंस बन रहा था, वो था ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या हुआ, जैसे हम बोलते हैं एक्सहेल हुआ, मतलब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। ये हमने प्लांट्स और स्ट्रक्चर्स चैप्टर में भी पढ़ा है, तो वही ऑक्सीजन ये प्रोसेस में बाहर निकलता है। बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन सम अदर पार्ट्स लाइक ग्रीन स्टेम्स टू एज दे कंटेन क्लोरोफिल। तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ लीव्स में नहीं होता, स्टेम्स में भी होता है, क्योंकि स्टेम्स में भी आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। फाइन, स्टेम्स में भी आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस आपके स्टेम्स में और लीव्स में दोनों में होता है। गॉट इट? आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ में आ गया होगा। फाइन, सो आज मैं यही टॉपिक पढ़ाती हूँ आपको कि आपका है, इसमें हमारा एक्सरसाइज के कुछ होमवर्क दे देती हूँ कि पहले तो यू हैव टू राइट डाउन कि हाउ प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड, राइट डाउन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये जो केमिकल इक्वेशन मैंने समझाई है, इसके थ्रू मुझे बताएंगे आप लोग होमवर्क में कि हाउ डू प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ओके, एंड देन यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ वॉट इज फोटोसिंथेसिस एंड वॉट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल, हाउ क्लोरोफिल हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। ठीक है, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन विल बी वॉट इज फोटोसिंथेसिस, सेकेंड क्वेश्चन विल बी हाउ क्लोरोफिल हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स, एंड थर्ड क्वेश्चन इज राइट द केमिकल इक्वेशन हाउ फूड इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स। सो यू हैव टू राइट द केमिकल इक्वेशन, दिस केमिकल इक्वेशन, एंड यू हैव टू प्रॉपरली लर्न दिस केमिकल इक्वेशन। ओके ओके क्लास।